Hi everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing well. और almost 1 month के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि अब जो वीडियोस हैं मैं कॉन्स्टेंटली अपलोड करूँ. और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने मेकअप ब्रशेस का सेट जो मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है और उन्हीं का मैं रिव्यू दूँगी. सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और ये है हमारे ब्रशेस का बैग. तो जो सारे ब्रशेस हैं वो इसी बैग में आते हैं और ये है ब्रांड PAC. पैक ब्रांड के सारे ब्रशेस हैं और ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है. और ये बैग जो है आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं. इसमें जो सारे ब्रशेस हैं वो बहुत अच्छे से आ जाते हैं. और अब मैं आपको ओपन करके इसे दिखाती हूँ. तो ये सारे 14 ब्रशेस का सेट है. इसमें जो 5-6 ब्रशेस हैं वो फेस के हैं, बाकी आईज़, आईब्रो और लिप्स के ब्रशेस हैं. और सारे ही ब्रशेस की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है. और इन ब्रशेस का जो प्राइस है वो है 4,950 यानी ऑलमोस्ट 5,000. सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्रश और ये पाउडर ब्रश है. सो यू कैन सी द क्वालिटी. एंड this is the foundation brush. And yeah, this is the third brush. एंड ये है ब्लश ब्रश. और जो ब्लश ब्रशेज़ होते हैं वो एक ही कलर में होते हैं. यहाँ पे ये जो ब्रशेज आपने देखे ये ड्यूल कलर है इनमें. और ये है ब्लश ब्रश. तो एक कुछ इस तरह का इसका जो थोड़ा शेप है वो इस तरह का है. एंड देन दिस इज़ द फाउंडेशन ब्रश. ब्रश इससे फाउंडेशन लेके फाउंडेशन लगाया जाता है फेस पे. और ये भी इसी तरह से ड्यूल कलर में है. और अब जो ये सारे ब्रशेज हैं ये आई ब्रशेज हैं. आई और आईब्राउज के लिए ये ब्रशेस यूज़ होते हैं. और फेस के जो ब्रशेस हैं वो 5 ब्रश ओवरऑल. तो ये वाला जो ब्रश है 09, ये आई शेडो ब्रश है. तो ये क्रीज बनाने के लिए काम आता है. और ये भी इसका जो कलर है एक ही कलर में होता है ये ब्रश. और ये आप देख सकते हैं यू नो. और अब है ये ब्लेंडिंग ब्रश. तो इससे हम आई शेडो को ब्लेंड करते हैं. और तो आप इसे हाइलाइटर भी लगा सकते हैं. और ये है 07. और अब जो ब्रश है वो है और ये है 0. ये वाला जो ब्रश है ये आई शेडो डैप करने के लिए काम आता है. इससे आप कोई भी आई शेडो को अच्छे से डैप कर सकते हैं. और ये है 08. और अब ये 06 है. और ये कंसीलर लगाने के लिए यूज़ होता है. तो ये इसी का सिमिलर है बट इसका जो साइज़ है फाउंडेशन वाले ब्रश का ये बड़ा है और ये छोटा है. तो ये कंसीलर अप्लाई करने के लिए काम आता है आईज़ के नीचे. और अब जो ये वाला ब्रश है तो इसमें एक साइड पे स्पूली दी है जो आईब्रो कॉम के लिए हम यूज़ करते हैं. और ये वाला जो यहाँ पे दिया है इससे हम आईब्रोज शेप करते हैं. तो इसमें आप इससे आप आईब्रोज बहुत अच्छे से बना सकते हैं.
ये है नंबर 14 और अब ये वाला जो ब्रश है नंबर 10, तो इससे आप यू नो काजल वगैरह स्मज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से स्मज होता है। इवन आप जो काजल है वो बहुत अच्छे से स्मज कर सकते हैं और इनर कॉर्नर्स पे भी हाइलाइटर हम इससे लगा सकते हैं। और अब है नंबर 12 और ये वाला जो ब्रश है ये आईलाइनर लगाने के लिए यूज़ होता है, तो इससे आप बहुत ही अच्छे से आईलाइनर लगा सकते हैं। इसका आप शेप देख सकते हैं किस तरह का है। और अब ये जो ब्रश है ये है नंबर 13 और ये है लाइनर ब्रश, तो इससे आप बहुत ही फाइन लाइनर लगा सकते हो और बहुत ही अच्छे इसके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो बहुत ही अच्छे से लाइनर जो है लग जाता है। और अब जो लास्ट ब्रश है नंबर 11 और ये है लिप ब्रश, तो ये लिपस्टिक लगाने के लिए काम आता है, तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह का है, फ्रंट से जो है राउंड है तो अच्छे से लिप्स पे शेप बन जाता है इससे और आप बहुत अच्छे से लिपस्टिक लगा सकते हैं। सो या दिस आर द ऑल ब्रशेज और ये जो सारे ब्रशेज हैं, जितने भी ब्रशेज 14 का जो सेट है ये सारे ही बहुत यूज़ होते हैं, सभी ब्रश मैंने यूज़ किए हैं, सारे ही काम आते हैं और काफ़ी अच्छा ब्रश सेट है ये, तो आप इन्हें ले सकते हैं। और ये ब्रशेज का सेट आप बाय कर सकते हैं नायका, अमेजोन या फिर आप पैक की PAC की जो अपनी साइट है वहां से भी आप इन्हें बाय कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे ब्रशेस काफी अच्छे लगे, सारे ही ब्रशेस बहुत यूजफुल हैं और जो इनकी क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। मैंने इन्हें वॉश भी किया है तो अब मैं इसीलिए रिव्यू भी दे रही हूँ। और अगर आपको ये ब्रशेस बाय करना हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर क्लिक करके इन्हें बाय कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।